हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस यहां पर चल रहे हैं। तो क्वालिफायर की ये मैचेस हैं और ये जो मैच ये होने वाला है स्कॉटलैंड वर्सेस पीएनजी के बीच में। अभी तक के सफर की बात करें तो पीएनजी की टीम ने अभी तक दो मैचेस खेले हैं जिसमें दोनों मैचेस को उन्होंने विन करा है। वहीं बात करें स्कॉटलैंड की टीम की तो अपना पहला मैच सिंगापुर से हार गए थे और टोटल दो मैचेस खेले उन्होंने, एक मैच को विन करा है। बट इस फिक्सचर के लिए मैं आपको बता दूं स्कॉटलैंड काफी स्ट्रांग दिख रही है। मेरे हिसाब से इस मैच को स्कॉटलैंड ही विन करने वाली है, तो ज्यादा प्लेस मेरे हिसाब से आपको स्कॉटलैंड की रखने चाहिए और इंपॉर्टेंस भी स्कॉटलैंड की बॉलिंग और बैटिंग को आपको देनी चाहिए मेरे हिसाब से। कप्तान वाइज कप्तान की ऑप्शन यहां पर आपको पीएनजी में भी एक दो मिलेंगे जिसमें असाद वाले काफी बेटर टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, टोनी यूरा भी टीम के लिए काफी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ एक दो ऑप्शन है जिनको आप कप्तान वाइज कप्तान यहां से भी रख सकते हो, बट मेरी प्रेफरेंस रहेगी स्कॉटलैंड की टीम। अभी तक की सफर की बात करें तो जो दो मैच स्कॉटलैंड की टीम और पीएनजी की टीम ने खेले हैं उसमें आप प्लेस का परफॉर्मेंस देख सकते हो। कोइट्जर ओपन कर रहे हैं मुंशी के साथ, परफॉर्मेंस देखे तो कोइट्जर को कुछ खास नहीं आया, मुंशी का भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बट फिर भी ठीक है अगर आप कोइट्जर से कंपेयर करें। और मुंशी थोड़े बेटर ऑप्शन भी अगर आप बोले यहां पर स्कॉटलैंड के प्लेयर्स को आप बैटिंग में रैंक करिए तो मैं सबसे पहले यहां पर जॉर्ज मुंशी को रखूंगा, सेकंड पे कैलम मैकलर्ड को रखूंगा और थर्ड पे रखूंगा काइल कोइट्जर और फोर्थ पे रिची बैरिंगटन को रखूंगा। तो ये मेरा ऑर्डर होना चाहिए बैटिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जॉर्ज मुंशी रहेंगे और कोइट्जर थर्ड नंबर पर मैं रैंक करूंगा, हालांकि काफी अच्छे प्लेयर हैं, और रिची बैरिंगटन को नंबर चार पर रैंक करूंगा। इसके बाद ऑली हैरिस मिड ऑर्डर में है, मैथ्यू क्रॉस है, टॉम सोल है, और इसके बाद बात करें शाफियन शरीफ, जॉर्ज डेवी टीम के लिए काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दो मैच से चार चार विकेट दोनों निकाल रखे। मार्क वर्ड को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली थी, हमजा ताहिर को भी पिछले दो मैच में सिर्फ एक विकेट मिली, हालांकि काफी अच्छे स्पिनर है टीम के। बात करें पीएनजी की टीम की तो यहां पर असाद वाले काफी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे, कप्तान भी है, 48-53 रन की पारियां खेली और पिछले दो मैचेस में चार विकेट टीम को निकाल के दे चुके, काफी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। टोनी उरा की बात करें तो बैटिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट बॉलिंग नहीं करते हैं। लेगा सियाका की बात करें तो नंबर तीन पे खेले, लास्ट मैच 22 रन लगाए। चार्ल्स अमीन ने लास्ट मैच में 2 रन लगाए, उसके पहले बात करें तो सीसी बाव ने यहां पर 26 रन लगाए, एक विकेट 0 विकेट इनका परफॉर्मेंस रहा। नॉर्मन वोनका की बात करें तो पिछले दो मैचेस में चार विकेट टीम को निकाल के दे चुके हैं। किपलेन डोरिगा जो इनके विकेट कीपर है वो काफी नीचे बैट करने आते हैं और कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा, लास्ट मैच में 4 रन लगाए थे उन्होंने। फिर रिले हिकोरे हैं, इसके बाद बात करें जेसन कीला है, इनसे एक आध ओवर ही बॉलिंग ली जा रही है पिछले दो मैचेस से, तो उतने शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट ना रहे। डेमियन रेवू हैं और इसके अलावा नोसेना पोकाना है। यहां पर आपके लिए दो प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे बॉलिंग में, एक तो नॉर्मन और दूसरे नोसेना, ये दोनों ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद बात करें बैटिंग में तो असाद वाले टोनी उरा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मिड ऑर्डर में देखें तो चार्ल्स एमिनी भी काफी बेटर ऑप्शन है, अगर ट्राई करना चाहते हो तो ले सकते हो। ये कुछ ऐसे प्लेयर जो मेरे हिसाब से आपकी टीम में होने चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ग्रीन टिकट के सामने मैंने लगा रखे। अब बात करते हैं यहाँ पर ड्रीम इलेवन की टीम की, तो यहाँ पर क्या कुछ बेस्ट टीम हम बना सकते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए। सो गाइस, इससे पहले हम बात करें ड्रीम इलेवन की टीम की, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जल्दी से आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बिकॉज फाइनल अपडेट जो आपको रहती है, टॉस अपडेट, प्लेइंग इलेवन, कौन सा प्लेयर खेल रहा है कौन सा नहीं खेल रहा और टीम में क्या अपडेट करना है, वो सब आपको यहीं पर पता चलेगा। और बाकी विनिंग्स वगैरह भी हम यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। आज हमारी टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जो हांगकॉन्ग वर्सेज ओमान का हमने यहाँ पर आपको टीम प्रोवाइड किया था, काफी अच्छा उसका स्कोर किया, आप देख सकते हो 661.5 हमारे पॉइंट्स थे टीम वन के, और काफी लोगों ने इस टीम के साथ खेला है और काफी अच्छा विनिंग भी किया है। और देखिए तो टॉप यूजर्स में वो रहे, आप देख तो यहाँ पर 339 स्पॉट्स में सेकंड फर्स्ट रैंक आई है, वो हमारे ही सारे यूजर्स हैं और सबका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है उस टीम के साथ, सबने अच्छा खासा यहाँ पर मार्जिन बनाया है, अच्छा खासा विन किया है। कम से कम आप देख रहे हो यहाँ पर 18-20 टाइम्स यहाँ पर इन्होंने विन किया है, तो सारे प्लेयर्स का आज विनिंग यहाँ पर हुआ है। एक्सपेक्ट करते इस मैच में भी अच्छी विनिंग होगी, स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग रहेगी इस मैच में, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर रिस्क है कहाँ पर नहीं है। तो जहाँ पर आप सबसे पहले हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें, फॉलो करने के लिए आपको यूजर नेम को सर्च करना है ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन ऑफिशियल, ये हमारा यूजर नेम है। जैसे आप इसको सर्च करोगे आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, इस पे 173 के सब्सक्राइबर है, इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अब हम बात करते हैं यहां पर फैन फाइट की टीम की, फिर ड्रीम इलेवन की टीम देखेंगे। सो गाइस, बात करते हैं फैन फाइट की टीम की, तो फैन फाइट पर अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया सबसे पहले तो आप वहां पर रजिस्टर कर लीजिए, लिंक आपको जस्ट नीचे ही मिल जाएगा और लिंक के जस्ट नीचे रेफरल कोड भी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। लिंक से जाइए, रजिस्टर करिए, रेफरल कोड डालिए, आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा और इनिशियली कुछ लीग्स आपके लिए ऐसी बनती है इसमें आप पूरा 100% बोनस का यूजेज करके लीग को ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि आपको अपने से कोई पैसा नहीं लगाना है। कुछ लीग्स यहाँ पर ऐसी बनती है जिसमें आप 100% बोनस का यूजेज कर सकते हो। सो बात करते हैं इस मैच में हम क्या टीम बना सकते हैं, तो रूल्स आप समझ लीजिए, आप यहाँ पर मैक्सिमम एक विकेट कीपर ले सकते हो और मैक्सिमम 3 ऑलराउंडर ले सकते हो, मिनिमम 3 बैट्समैन और मिनिमम 3 बोलर्स आपको लेने रहते हैं, यानी कि जो पहले ड्रीम इलेवन का रूल था वही यहां पर अभी चल रहा है। ड्रीम इलेवन पे अभी तो 3 विकेट कीपर का यहां पर मैक्सिमम लिमिट हो गया है, 4 ऑलराउंडर का मैक्सिमम लिमिट हो गया, बट यहां पर अभी पुराना वाला रूल ही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा टॉस के बाद भी यहां पर आप टीम को एडिट कर सकते हो, ये भी यहां पर सुविधा अवेलेबल है। बात करते हैं टीम की, क्या हमारी टीम रह सकती है फैन फाइट में, वो देख लेते हैं पहले।
सो गाइज ये हमारी फैन फाइट की टीम आज रहेगी। विकेट कीपिंग सेक्शन मैंने मैथ्यू क्रॉस को लिया, इनको लेने का पर्पज़ यही है कि ये काफ़ी अच्छे विकेट कीपर है और मेरे हिसाब से यहाँ पर 10 विकेट मिल सकते हैं स्कॉटलैंड को, स्कॉटलैंड की टीम को पीएनजी के। तो ऐसे में ये विकेट कीपर लेना आपके लिए ठीक रहेगा और अल्टरनेटिव में जो ऑप्शन है वो इतनी कोई खास भी नहीं, तो इसलिए मैथ्यू क्रॉस सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी। बैटिंग सेक्शन में टॉनी उरा को हमने टीम में पिक करा है, केलम मैकलॉट को लिया है, जॉर्ज मुंसी को लिया है, कोइट जर को हम टीम में पिक नहीं कर पाए, क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा थी और अगर हम कोइट जर को टीम में पिक करते हैं तो फिर बॉलिंग हमारी लूज़ हो जाएगी, यानी कि शाफियान शरीफ को आपको छोड़ना पड़ेगा, जॉर्ज डेवी को छोड़ना पड़ेगा जो कि मैं प्रेफर नहीं करता, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है ये दो प्लेयर और इनको मैं नहीं चाहता आप छोड़ें, और कोइटजर को तो आपको फिर छोड़ना पड़ेगा किसी एक बड़े प्लेयर को, या तो कोइटजर या फिर मुंशी। मेरे हिसाब से मुंशी सबसे हाई रेटेड प्लेयर हैं तो उनको तो नहीं छोड़ सकता। केलम मैकलॉट सेकंड नंबर पर मेरे हिसाब से रहेंगे, तो थर्ड पर कोइटजर जो अभी चल रहे हैं उनको ही यहाँ पर हम टीम से हटाएंगे, और अगर आप उनको लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, फिर उस कंडीशन में आपको यहाँ पर हमजा ताहिर से काम चलाना पड़ेगा, आपको शाफियान शरीफ भी हटाने पड़ेंगे, जॉर्ज डेवी को भी हटाना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़े कम क्रेडिट वाले प्लेयर्स को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हो। मेरे आप बोलिंग यहाँ पर देख सकते हो, नॉर्मन वेनुआ को अपने टीम में पिक करा है, नौसेना को अपने टीम में पिक करा है, जॉर्ज डेवी को लिया है, शफियान शरीफ और टॉम सोल को अपने टीम में जगह दी है, यहाँ पर आप हमजा ताहिर को भी टीम में पिक कर सकते हो, मार्क वुड भी आपके पास ऑप्शन में रहेंगे, क्रेडिट मेंटेन अगर आपको करने तो इन दो प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो। कप्तान के ऑप्शन यहाँ पर असद वली सबसे अच्छी ऑप्शन है, वाइस कप्तान रिची वेलिंगटन काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे और ये सबसे सेफर ऑप्शन भी है, तो हेड टू हेड में मेरे हिसाब से आपको इन्हीं के साथ जाना चाहिए। अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह खेलो तो जॉर्ज मुंशी काफी अच्छे ऑप्शन है, आप इनको ट्राई करिए, टॉनी उरा काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं इनको ट्राई कर सकते हैं, बॉलिंग सेक्शन में शाफियान शरीफ भी आपके पास काफी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये ग्रैंड लीग के ऑप्शन हो गए, बाकी हेड टू हेड में सिर्फ ये दो ऑप्शन ध्यान रखिए, असाद वाला और रिची बैरिंगटन। अब बात करते हैं यहाँ पर हम ड्रीम इलेवन की टीम की, देखते हैं फिर वहां पर क्या कुछ टीम बना सकते हैं, रूल्स वहां पर थोड़े से अलग हैं। सो गाइज ये हमारी ड्रीम इलेवन की टीम रहने वाली है, विकेट कीपिंग सेक्शन में अगेन हमने मैथ्यू क्रॉस को पिक करा है और इनको लेने का रीजन वही है कि आप कैचेस स्टंपिंग के आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं और थ्रू आउट बैटिंग भी कर सकते हैं, अगर इन पर बैटिंग आ जाती है तो अच्छे खासे बैट्समैन भी है, बाकी ऑप्शन में इतने अच्छे प्लेयर आपके पास नहीं है। टोनी यूरा को हमने टीम में पिक करा है, मैकलॉट को टीम में पिक करा है, मुंशी को पिक करा है, कोइटजर को टीम से हमने हटाया, 10 क्रेडिट में मिल रहे हैं और अगर उनको हम पिक करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर डेवी और शफियान शरीफ वगैरह को छोड़ना पड़ सकता है जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर्स है, तो इनको हमने टीम में पिक करा है, कोइटजर को हमने छोड़ दिया है, बैरिंगटन को हमने टीम में पिक करा है, वाला को पिक करा है, यहाँ पर नॉर्मन को पिक करा है, वेनुआ को पिक करा है और टॉम सोल को टीम में जगह दी है। कप्तान वाइस कप्तान का ऑप्शन आपको पता ही, हेड टू हेड में आपको ट्राई करना है वाला और रिची वेलिंगटन, ग्रैंड लीग में मुंशी को आप जरूर ट्राई करिएगा, कोइटजर को भी आप कर सकते हो, हमने छोड़ा जरूर है उनको, अच्छे प्लेयर हैं बट वही है कि हमें किसी ना किसी एक बड़े प्लेयर को तो छोड़ना पड़ेगा अगर हमें एक बैलेंस टीम बनानी है तो। बाकी ग्रैंड लीग में शाफियान शरीफ आपका काफी अच्छा ऑप्शन है, टॉनी यूरा काफी अच्छा ऑप्शन है और जॉर्ज मुंशी मेरी पहली चॉइस ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे। तो गाइस वीडियो यहां पर करते हैं खत्म, लास्ट अपडेट आपको हम अपने टेलीग्राम के चैनल पर बता देंगे जो हमने अभी आपको वीडियो दिखाया था बीच वीडियो में, अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आप समझ गए आपको उसी चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहीं पर आपको टॉस अपडेट प्लेइंग 11 और लास्टली टीम में अगर कोई अपडेट होगा तो वहीं पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको जाके आप जल्दी ज्वाइन करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो यहां पर भी आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस बाय, बेस्ट ऑफ लक।